वेलकम टू जू लैंड जोधपुर विद द ओनर एजाज खिलजी। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। सलाम एजाज भाई के दो बकरे हैं, खुद के जी। फार्म के हैं जी भाई एंड दे हैव बीन रेस्ड बाय बिल्कुल जू लैंड इटसेल्फ। हाँ दे बॉर्न एट बिल्कुल, जू मेरे यहाँ के लैंड। ही हैं, इनकी मदर्स मदर फादर दोनों मेरे यहाँ पे ही। ओके, कौन से नस्ल के बकरे बता रहे हैं हम? ये दोनों ही सोजत हैं। सोचा था हाँ ये जी दो भाई बकरे बता रहे हैं। माशाल्लाह दोनों बहुत जानदार है। द राइट वन इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत खूबसूरत रंग है और एकदम पेट लटक रहा है नीचे ज़मीन पर, ऐसा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। छह दांत है राइट वाला, दो ये 6 दांत है, वो 2 दांत है। दांत है। ओके, अंडूल है क्या लेफ्ट वाला? नहीं भाई वो थोड़ा लेट पंच किया हुआ ओके है ओके बस इसीलिए, ओके, नीचे तो से हाथ हटा उसके। हाँ ये कितने समय में इतना ग्रोथ हुआ इनका? भाई ये अपने यहाँ पे हैं, ये बकरा जो है ये आप समझो 1.5 साल के लमसम लमसम जा रहा है, ये हाँ सॉरी हाँ ये 1.5 साल के समथिंग जा रहा है, और वो जो है वो 14-15 महीने का हुआ है, ठीक है। तो ये राइट वाला जो है 1.5 ईयर और ये 1 साल ऑलमोस्ट, सवा ठीक साल एक साल है। सवा ये दो साल दांत ही किया होगा ना जी, सर? 2 दांत ही दो किया दांत कितने महीने में करते हैं लोग? भाई, 13-12 महीने में बारह करते तेरह हैं। महीने में हाँ और 8 दांत। फिर उसके बाद में 4 जो है वो थोड़ा जल्दी करते हैं, फिर 6 और 8 वापस बाद में अलग से अच्छा, करते जो हैं बहुत बड़े बड़े बकरे हम लोग को देखने मिलते हैं, जी 120 140 भाई। 150 kg तक के, जनरली कितने साल के बकरे होते हैं आपके एक्सपीरियंस में? मेरे को जहाँ तक है कि वो 150 वाले और जो बकरे होते हैं वो कम से कम भी 2.5-3 साल के होते हैं बकरे। 3 साल के पले हो हाँ इतने तो एटलीस्ट होते हैं। बकरा जो है वो 8 दांत तक तो खुद का फ्रेम ही निकाल रहा होता है, खुद की फ्रेम निकालता है, खुद की जो भी मतलब पूरा गए। स्ट्रक्चर ही बना रहा होता है। उसके बाद में वो जो वेट पुट ऑन करना है या मसल्स जो पुट ऑन करना होता है वो उसके बाद में शुरू होता है ज़्यादातर, तो वेट ज़्यादा आता है। हाँ 2 के बाद में थोड़ा थोड़ा वेट ज़्यादा लेने लगता है, पर 8 के बाद में एक्चुअल जो जाता है साइज़ वगैरह जो होता क्योंकि है हम उसमें। पलाई करते हैं 2000 रुपये में, जी भाई लोग चाहेंगे कि आप बाहर जब बकरे निकले के समय जी जी हमारा बकरा 130 20 kg का निकले, तो कितने किलो का बकरा यहाँ पे लाके छोड़ना चाहिए उनको आपके भाई पास? अगर 131 उसका चाहिए और अपने को साल भर में अगर उस पे जाना चाहिए तो मेरे हिसाब से 60-65 किलो का बकरा होना चाहिए, डबल करके दोगे आप? लगभग 60-65 का है, तो मैं 130 को उसको मत नहीं, पकड़ो कौन से महीने में लाके छोड़ना चाहिए आपको? भाई। हमारे यहाँ पे तो आप बकरीद के बाद में, बकरीद के उस वक्त टाइम छोड़ देंगे, 1 साल का स्पैन होता है तो वो प्रॉपर कवर करता है, जिसके अंदर एक सर्दी भी निकल जाती है, बारिश वगैरह सब उसमें वो क्लियर हो जाता है पूरा। क्योंकि कई बार बकरा आता है 2-3 महीने तक, तो वो अगर बाई चांस उसमें कोई बीमारी है कुछ है तो वो 1-2 महीना तो उसी में निकाल देता है, सेटल होने में लगा देता है, फिर वो ग्रोथ पे आता है। अगर वो पंच नहीं किया हुआ है या वो नहीं किया हुआ है तो वो करना है, तो वो फिर 15-20 दिन का वो एक है, सब चीज़ें होती हैं उसलिए, वो कवर करने के लिए साल भर तो एटलीस्ट चाहिए होता है। तो 60 65 या 70 किलो के बकरे ला के हाँ दिए तो वो आपको, लगभग तो 100 क्रॉस करते हैं भाई, वो फ्रेम भी रहना चाहिए ना वो हाइट फ्रेम वाइज तो में, वो एक है ना? बेसिक कोई भी चीज़ है। बकरा आपके पास नहीं लेके नहीं नहीं आ वो गया तो अगर बकरा, आप लाके कोई हाँ कटिंग का बकरा या वो कोई देसी बकरा अगर आप लाके छोड़ दोगे और कहोगे कि यार इसका नहीं, तो उसमें तो हमें भी कुछ नहीं कर सकता ठीक है। इनकी हाइट कितनी होगी? भाई। ये वाले जो बकरे हैं ये 36 के होंगे, थर्टी थर्टी सिक्स सिक्स थर्टी हाइट के सेवन होगी, हाँ इसलिए वजन करा लेंगे। जी भाई 80 किलो का लग रहा है मुझे, 75 80 किलो अप्रॉक्स का होना चाहिए, है अभी ना? वेट कर लेते हैं। चढ़ाइए। भाई ये 87-88 आ रहा है, 88 आ रहा है। 87 88 kg का बकरा है। हाँ और ये वाला ये वाला भी वही 70 समथिंग का होना चाहिए, ओके थोड़ा कम होना डाल दीजिए। चाहिए ये, सेवेंटी कितना फाइव मांग सेवेंटी रहे हो आप सिक्स इसका प्राइस बता दो भाई। ये जो पूरी आराम से ये 78 kg सेवेंटी का एट आ बकरा रहा है, है भाई, ठीक है। हाउ मच आर यू आस्किंग फॉर दिस वाइट वन? ये पूरी जोड़ी का है भाई, पूरी हाँ जोड़ी का अपन कुछ 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं 1,10,000 यानी 1,55,000 का। कितना रुपये किलो हो जाता है तकरीबन? भाई। देखो ना आप एक ये सौ साठ किलो सत्तर आया है, एक सौ अप्रॉक्स 160 160 किलो। कितना हो गया? अब वो तो निकालना पड़ेगा भाई, देखो इतनी मैथ मैक्स कमज़ोर मस्ट है बी गुड ना। 1,10,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना किलो हुआ? 85 प्लस 80 kg, वन 88 प्लस 78, 88 प्लस 78 166 है भाई, हाँ, और एक और आप दस मांग अगर रहे हो हाँ 1,10,000, 110 डिवाइडेड बाय 166, अबाउट 730 रुपये के करीब आ रहा है। 630 रुपये किलो। कल आपने 600 रुपये वाला बताया था, हाँ भाई वो चीज़ अलग यही थी, थे नहीं ये थोड़ी थे भाई, ऐसे दूसरे ही थे। थे यानी अच्छे बने हाँ हुए तो थे वो अलग बकरे? थे भाई, ये अलग है, इनको देखो आप इनका अच्छा, गेटअप देखो, इनका तो चीज़ बिल्कुल अलग है ये बकरे। नेगोशिएबल है ये प्राइस आपका? हाँ वो नेगोशिएबल है। ये क्योंकि आप ये फार्म के हैं, आपके पास लेके कोई यहाँ पे रखेगा जी ईद तक भाई के, खुदा जी भाई। ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो हाँ आप कुछ, मतलब भाई ईद तक की बात है। लंचा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर इतने बकरे का कुछ होता है
भाई मैं ये नहीं कर, फिर वही बात है कि मैं पूरा के पूरा नहीं, वो नहीं कर सकता, छोटा मोटा जो भी होगा मुआवजा दे दो। ठीक है, जिस किसी को भी चाहिए कॉल कीजिए। दोनों खसी बकरे हैं, 188 और दूसरा वाला 78। ठीक है, वो 6 दांत है और ये 2 दांत, 2 दांत का। जी थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।